अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। तो ये आज अपने चैनल का सेकंड व्लॉग है। तो आज के व्लॉग में मैं आपको बॉर्डर लाइंस का जो एरिया वो एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा, जो पाकिस्तान का बॉर्डर लाइन के ऊपर बिल्कुल आखिरी गांव है वो दिखाऊंगा आपको। और आज मैं अकेला नहीं जा रहा, मेरे साथ जा रहा है मेरा दोस्त शारिक। अस्सलाम वालेकुम, जो कि आज हम दोनों ही जा रहे हैं बॉर्डर एरिया देखने के लिए। तो आपको दिखाते हैं बॉर्डर एरिया, तो वहाँ पर बहुत ही मजा आने वाला है, तो चलते हैं फिर आपको दिखाते हैं। हाँ, और हम कोशिश करेंगे कि बिल्कुल बॉर्डर लाइंस के ऊपर जाएं और उसकी वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर करें। तो अभी चलते हैं फिर। ये वाली जीरो लाइन मतलब ये है, असल बॉर्डर वो है। वो बॉर्डर असल नहीं है वो। हाँ। असल बॉर्डर ये है। अच्छा ये है। वो बॉर्ड लगी है। अच्छा अच्छा। जब भी जाओ ये जो हल नहीं चले। हाँ। हल को क्रॉस ना करो, ये बॉर्डर है उनका, इंडिया के एरिया ये है। वो सारा उनका। हाँ। सही है। इंडिया ना। बॉर्ड उधर लगाई है और है इधर। अच्छा। वो थोड़ा मतलब ये जीरो लाइन है। हाँ।
तो अब मैं आ चुका हूँ एक गुरुद्वारे पे। ये मेरे पीछे गुरुद्वारा है। इस गुरुद्वारे का नाम श्री पहली पातशाही लाहौड़ा साहब है, जो कि इस वजह से है कि जो गुरु नानक जी थे उन्होंने यहाँ पे अपने हाथों से एक लाहौड़ा नाम का दरख्त होता है वो प्लांट किया था यहाँ पे। इस वजह से इस गुरुद्वारे को पहली श्री पातशाही लाहौड़ा साहब कहा जाता है। और अभी आपको आगे लेकर चलते हैं। तो अभी मैं गुरुद्वारे के अंदर जा रहा हूँ और अंदर से भी आपको दिखाते हैं गुरुद्वारा देखने में कैसा है। असल में इसकी हालत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि यहाँ पे वीरान पड़ा हुआ है। ये आप साइडों पे देख सकते हैं, सिर्फ दरख्त दरख्त हैं और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे बॉर्डर के कुछ मीटर्स के फासले पर ही है ये। तो इस वक्त मैं गुरुद्वारा साहब के अंदर मौजूद हूँ और आप इसकी हालत देख सकते हो, बिल्कुल ख़राब हो चुकी है हालत। एक छोटा सा गुरुद्वारा बनाया गया है और ये गुरुद्वारा जो है पार्टीशन से भी पहले का है। ये गुरुद्वारा महाराजा रणजीत सिंह के दौर का बना हुआ है। ये पार्टीशन से भी पहले का है और पाकिस्तान के हिस्से में है। यहाँ से जो है बॉर्डर वो कुछ ही मीटर्स पर है। आप यहाँ पे दरख्त देख सकते हो, बहुत ज़्यादा पुराने दरख्त लगाए हुए हैं। ये नीम का दरख्त है और आप देख लें ये कितना बड़ा और कितना पुराना दरख्त है। इसी तरह जितने भी यहाँ पर दरख्त हैं, कीकर के हैं, नीम के हैं, ये सारे यहाँ पर जो लगाए गए हैं वो सारे ही बहुत बहुत पुराने हैं। लहुड़ा एक दरख्त होता है, बहुत मजबूत लकड़ी होती है उसकी। ये जो आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा लकड़ी जो है ना स्ट्रॉन्ग इस्तेमाल होती है, वो वाला दरख्त होता है, उसकी लकड़ी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो इस जगह पर वो वाला दरख्त गुरु नानक जी ने लगाया था अपने हाथों से, उस वजह से इस जगह का नाम और इस गुरुद्वारे का नाम जो है उसी नस्बत से रखा गया है, लाहौड़ा साहब गुरुद्वारा। पाक आर्मी का मोर्चा है, तो अभी आपको इसके अंदर भी लेकर चलते हैं, आ जाएं। तो आ जाए। ये इसके अंदर का व्यू है जी, ये बनाया गया, अंदर अंधेरा है, बिल्कुल यार अंधेरा है अंदर, मैं अंदर नहीं जा रहा, बस यहीं से। ये एक जी मोर्चा है यहाँ का और अभी चलते हैं फिर। इस वक्त हम लोग बॉर्डर लाइंस जो हैं वो देखकर आ चुके हैं और हमें वहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। जो वहाँ पे आर्मी के थे, जवान थे रेंजर्स के, उन्होंने हमें पूरा एक जो विज़िट करवाया उन्होंने, और हम बिल्कुल ज़ीरो लाइन के ऊपर गए थे। और मैंने वीडियो इतनी नहीं बनाई क्योंकि वो उन्होंने मना कर दिया था कि यार यहाँ पर वीडियो मत बनाओ,
और यही वजह थी मेरी वीडियो ना बनाने की, लेकिन मैं थोड़े से फुटेज आपको दिखाने के लिए बनाई थी वहाँ पे। तो हम लोग वहाँ पे तकरीबन 20-25 मिनट तक हम वहाँ पे रुके थे और बड़ा हमें जो है एक्सपीरियंस करने को मिला। और आपने वो गांव भी देख लिया होगा, गिविंडी नाम है ना उस गांव का? हाँ, गिविंडी गांव था वो, और वो भी देख लिया होगा। और ये जो हम जहाँ पे गए हैं ना, जीरो लाइन जो गेट लगे हुए थे इस तरफ पाकिस्तान उस तरफ इंडिया, ये बरकी का एरिया था और बरकी रोड का एंड था जो पाकिस्तान की तरफ गेट था, और इंडिया की तरफ जो था वो खारला भिकविंड रोड है, वो उसका एंड वहाँ पे था। तो ये सारा हमारा एक्सपीरियंस था। तो तुम्हें कैसा लगा यार? मुझे भी बहुत ही अच्छा लगा वहाँ पर जाकर, क्योंकि मैं भी पहली मरतबा गया था, तो मैंने भी वहाँ के जो नौजवान थे इंडिया के, तो वो भी देखे। हाँ, बहुत ही अच्छा लगा मुझे भी देखकर। तो पहली मरतबा गया था तो हाँ, मेरा भी फर्स्ट टाइम था, मैं भी फर्स्ट टाइम ही गया हूँ। तो ये सब हमारा एक्सपीरियंस था, और आई होप कि आपको वीडियो भी पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।